नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं राकेश। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी सशक्तिकरण की बात करती है बिहार और केंद्र सरकार। नारी सशक्तिकरण की एक नज़ीर पेश की है बिहार के जमुई की एक बिटिया ने। 5 दिन और 5 रिजल्ट, 5 प्रतियोगिताओं पर परीक्षाओं में सफलता हासिल कर जमुई ही नहीं बल्कि बिहार का नाम रोशन किया है टीनू सिंह ने। मेरे साथ बातचीत करने के लिए टीनू मौजूद हैं। टीनू, बिहार तक में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि 5 दिन 5 परिणाम, 5 प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपने सफलता हासिल की है, कैसे संभव हो पाया ये? ये है कि हम लगातार प्रयास में रहे थे और हार्ड वर्क का नतीजा है। कैसे तैयारी प्रारंभ की और ये 5 परीक्षाएं कौन कौन सी हैं? पहले मेरा 22 दिसंबर को मेरा लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में चयन हुआ था। 23 दिसंबर को मेरा बिहार एसएससी सीजर में एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के रूप में चयन हुआ। उसके बाद 25 दिसंबर को मेरा बीपीएससी टीचर में 6-8 में सलेक्शन हुआ और 26 दिसंबर को मेरा बीपीएससी टीचर में 9-10 और 11-12 में रिजल्ट आ गया। दूसरा सवाल यह है कि ये सेल्फ स्टडी आपने की या फिर कहीं कोचिंग वोचिंग में? नहीं, हम सेल्फ स्टडी भी करते थे और जमुई में ही रह के एक क्लास भी करते थे। तो अभी आप किस जॉब को प्रेफर किए और कहाँ ज्वाइन किए? क्योंकि बिहार एसएससी सीजीएल एक ऑफिसर पोस्ट का जॉब है तो हम उसी को प्रेफर किए हैं। आगे क्या तैयारी है, आगे क्या सपना है, आगे क्या करने का इरादा है, या फिर यही स्टॉप पूर्ण विराम यहीं पे लग जाता है या आगे फिर कुछ सपना है? नहीं, हर स्टूडेंट का इंडिया में खासकर यूपीएससी क्रैक करने का सपना होता है, तो वो मेरा भी है। यही ये 5 रिजल्ट हैं जिनमें इन्होंने सफलता हासिल की है। यह है बिहार कर्मचारी चयन आयोग, जिसमें इन्होंने सहायिका प्रशासिका पदाधिकारी के पद पे सफलता हासिल की। दूसरा है कर्मचारी बिहार लोक सेवा आयोग में ही ये डाटा ऑपरेटर के पद पे सफलता हासिल की है। और एक साथ बीपीएससी ने जिस शिक्षक नियुक्ति परीक्षा आयोजित की है उसमें तीनों 9-6-8, 9-10 और 11-12 में इन्होंने सफलता हासिल की। हम जानना चाहते हैं तीनों आपसे कि बचपन की पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ से हुई, पहले उसके बारे में बताइए। मेरा बचपन का पढ़ाई 8 क्लास तक संत माइकल स्कूल में हुआ। उसके बाद हम बड़ा बन हाई स्कूल से मैट्रिक किए, पास किए हुए हैं। प्लस टू हाई स्कूल से मेरा इंटर का हुआ है और धनराज सिंह कॉलेज से हम ग्रेजुएट हैं और एमए हम इग्नू से किए हैं और कटौना बीएड कॉलेज से हम बीएड का डिग्री हासिल किए हैं। पीजी आपने किस सब्जेक्ट से किया? इंग्लिश से। ये जम्मू एक बहुत छोटा सा शहर है, बहुत पढ़ाई लिखाई की उतनी सुविधा जम्मू में नहीं है, ये कैसे संभव हो पाया है? ये स्टार्टिंग के दौर पे हमको भी लगा था थोड़े देर के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत छोटे से छोटे जगह में रह के भी अगर आप कंटिन्यूटी के साथ मेहनत करते हैं और आपको सही गाइडलाइंस मिल जाता है तो आप सक्सेस हो जाएंगे। किनको श्रेय देते हैं, किन्होंने आपको गाइड किया कि आप इस तरह से पढ़ाई करें? इसमें मेरा भाई टीपू, मेरे पूरे फैमिली, मामा अनिमेश और मेरे सर, खासकर विजडम एकेडमी के हैं अंजनी सर, उनका बहुत ज़्यादा योगदान था। कितने घंटे पढ़ाई कर पाती थी आप? क्योंकि मेरा मेन काम पढ़ाई ही था तो हम पूरी तरह फोकस थे पढ़ाई को लेके ही, तो मेरा दिन से रात तक का सारा रूटीन पढ़ाई पे ही बेस्ड था। घर के कामों में हाथ मटाना? हाँ, कभी कभी मम्मी का जब बीमार पड़ जाती थी या कुछ ऐसा होता था, ज़्यादा गेस्ट आ गए तो हम हाथ भी बटा दिया करते थे, पर इसमें मम्मी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी। अच्छा, आप सहायिका प्रशासिका पदाधिकारी के पद पे आप ज्वाइन करेंगी, अभी आप कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर शायद ज्वाइन लखीसराय में ज्वाइन की हुई हैं, उसको रिजाइन करके आप पटना सचिवालय ज्वाइन करेंगी, तो ज्वाइनिंग के बाद फिर पढ़ाई कैसे संभव हो पाएगा, कितना समय दे पाएंगे यूपीएससी क्रैक करने में? क्योंकि आप एक बेस सेट करके वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि मेरा पहले से ही एक बेस बन चुका है तो हमको रिवीजन करना है और मेंस राइटिंग पे ध्यान देना होगा, तो हम ड्यूटी करके जो रात का शिफ्ट हो सकता है हम उस पर अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारे बच्चे आजकल के युवा सोशल मीडिया पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, कितना समय आप सोशल मीडिया पे कितना समय दें?
अभी फिलहाल मेरा सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना हुआ है, ना फेसबुक पे है ना इंस्टाग्राम है या कोई अदर ट्विटर वगैरह, अभी हम वो सब यूज़ नहीं करते हैं। मतलब मेरा था कि हम पहले पढ़ लें, पहले अपना एक सेट कर लें, एज ए ऑफिसर बन जाए, उसके बाद वो सब, मतलब अभी भी मेरे दिमाग में वो खास आया नहीं है। अच्छा, उधर आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का भी एग्ज़ाम दी थी और ये बीपीएससी जो टीचर भर्ती परीक्षा किया था बीपीएससी ने, वो भी दी थी। तो शिक्षक में तीनों कैटेगरी में आपका हो गया है टीचर में। पहले कौन सा रिजल्ट आया, पहले प्रशाखा पदाधिकारी का आया या पहले टीचर वाला? पहले सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में मेरा चयन 23 दिसंबर को ही हो गया था, लेकिन हम एग्ज़ाम पहले दिए हुए थे तो उनको पता था कि मेरा वो तीनों बीपीएससी में भी रिजल्ट हो जाएगा। शिक्षक बनने का सपना, मैंने इच्छा नहीं है। नहीं, हम पहले भी मतलब शिक्षक हम एग्ज़ाम दे रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे लोग चाहते हैं कि पहले एक सरकारी जॉब हो जाए, खासकर जब आप एक मिडिल क्लास से आते हैं, तो हम वो दिए तो थे, पर हमको वहाँ रुकना नहीं था, हमको आगे ऑफिसर के लिए ही अपने आप को तैयार करना अपने था। लोगों को दिखाने के लिए कि हम भी अपने कैपेबल है, हम भी क्वालिफाई कर सकते हैं, इसीलिए। लेकिन मन नहीं था शिक्षक बन। नहीं, हम वहाँ रुकना नहीं चाहते थे, वो बस था कि मतलब फैमिली वाले सब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और आप एक लड़की हो के आपको छोटे जगह में बहुत ज़्यादा ताना दिया जाता है, तो वो था कि हाँ हम सरकारी जॉब तो ले लिए, लेकिन हमको वहाँ रुकना नहीं होता था, हमको बनना ऑफिसर ही था। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए कि आगे जैसे आप ज्वाइन करेंगे पटना प्रशाखा पदाधिकारी में, फिर यूपीएससी की तैयारी करेंगे, कौन कौन सा सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करने जा रही हैं, किस सब्जेक्ट से यूपीएससी देना चाहते हैं? मेरा ग्रेजुएशन हिस्ट्री से हुआ है तो हम हिस्ट्री को ही अपना ऑप्शनल रखेंगे। हिस्ट्री को। अच्छा, ये क्रेडिट किसको दे रही है? एक साथ कोई बड़ी बात, मैंने छोटी बात नहीं है, एक साथ मैंने 5-5 एग्जाम में सफलता मैंने हासिल करना, कोई एक परीक्षा में सफलता हासिल नहीं कर पाता है, निकाल नहीं पाता, आप एक साथ 5-5 में निकालिए, कैसा फील जब रिजल्ट आया तो कैसा महसूस हुआ? सबसे फर्स्ट मैंने क्या था अंदर रिएक्शन? मतलब आप लगातार मेहनत कर रहे थे तो आपको आप मतलब सक्सेस नहीं हो पा रहे तो आप हुए, तो वो तो बहुत खुशी का बात था, लेकिन ये नया नहीं था, हमको पता था पहले से कि हम इस सब में सेलेक्ट हो जाएंगे, ये मतलब मेरे लिए कुछ नया नहीं था कि हम इसमें सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे या हो गया, हमको था, हमको फिक्स था कि मेरा इसमें सिलेक्शन होगा। ये विश्वास था या ओवर कॉन्फिडेंस था? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, हम बस लगातार हम हमेशा मतलब हम कंटिन्यूटी मेंटेन किए हुए थे तो हमको था कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा, और पहले आप आंसर किया आ चुका था बीपीएससी का, तो उसमें हम देख चुके थे कि मेरा 90+ आ रहा है, तो उनको पता था कि बीपीएससी में भी हो जाएगा, और सीजल में भी हम मतलब जब एग्ज़ाम दे के आए थे तो उसका आंसर की नहीं जारी किया जाता है, तो हम खुद से मिला के देखे थे तो उसमें भी हमको लगा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जी, एक चीज़ बताइए कि आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के, फैमिली के बारे में बताइए कि उनका, आपका फैमिली क्या है, कितने भाई बहन हैं, पापा मम्मी क्या करते हैं? मेरे पापा सीआरपीएफ में हैं जो देश का सेवा कर रहे हैं, और मेरी मम्मी गृहिणी है, वो डबल एमए है, बीएड है, डीएलएड है। अच्छा, हाँ तो अच्छी पढ़ी लिखी हैं, तो आपको आपको हाँ तो मम्मी से बहुत मदद मिलती होगी। तो हाँ मेनली हम बचपन में मम्मी को बीपीएससी का प्रिपरेशन करते हुए देखते थे। वो जॉब करती है मम्मी? नहीं, मम्मी हाँ, मम्मी का टीचर में ही, हम लोग जब बच्चे थे तब मम्मी का टीचर में सिलेक्शन हो रहा था, पर मम्मी हम लोग को पढ़ाने के लिए अपना जॉब छोड़ दी थी। अच्छा, बच्चों को पढ़ाने के लिए माँ ने अपना नौकरी छोड़ दी, अपनी हाँ नौकरी छोड़ दी, तो सिर्फ आप लोगों की पढ़ाई की मैंने देख रेख करती है। हाँ क्योंकि पापा मेरे बाहर बाहर रहते रहते थे, उनको छुट्टी नहीं मिलता था, तो मम्मी हम लोग को फोकस करती थी। डबल एम ए डीएलएड और क्या बताइए, बीएड? बीएड अब क्या है, मम्मी क्या करती है घर में? अभी मतलब मम्मी के ही बदौलत हम यहाँ तक पहुँच पाए, मम्मी का ऐसे भी वो मोटिवेट रखने में, मम्मी है, भाई है, पापा है, मामा है, मतलब मेरा पूरा फैमिली हमको मोटिवेट बहुत रखता था, क्योंकि आप स्टूडेंट के तौर पे आप बहुत बार फेल्योर भी देखते हैं, मतलब कोई भी सक्सेसफुल स्टूडेंट के पीछे बहुत सारा आपका अनसक्सेस स्टोरी भी होता है, एक दिन का स्ट्रगल नहीं होता है पढ़ाई, आपको बहुत लगातार कंटिन्यूटी के साथ मेहनत करना होता है। कोई ऐसी घटना जो आपको यहाँ तक लाने में मेमोरेबल रहा हो, जो सब दिन ये या आपको याद रहेगा, कोई ऐसा फेज जिसमें आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा हो? हाँ हम हमेशा शुरू से ही बहुत मेहनत किया करते थे, जो भी करते थे हम अपना 100% देने का कोशिश करते थे। इसके बाद भी मेरा बहुत सारे एग्ज़ाम में हम माइनर मिस्टेक्स रह जाते थे, जैसे बिहार एसआई था, एनटीपीसी था, एएलपी टेक्नीशियन था, और भी बहुत सारा था, सो मेरा रिजल्ट तो हो जाता था पर हम माइनर माइनर रह जा रहे थे, तो
तो वो सब था, तो मेरे मतलब बाहर का ताना बहुत ज़्यादा उस वक्त हो जाता है, और घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे उस वजह से कि मतलब पता नहीं मेरा फ्यूचर क्या होगा, कि मेहनत कर भी रही है फिर भी सक्सेस नहीं हो रही है। तो वो था कि हाँ वो सबको मतलब करके दिखाने कि हाँ कर लेंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं कि टेंशन हो बहुत होता होगा इस तरह से, लोग समाज क्या कहेगा, मेहनत कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। नहीं, उसी टाइम आपको ना आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है पढ़ाई में, पेशेंस पावर और ना मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंटिन्यूटी, हार्डवर्क, ये चारों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको आपको मतलब है कि जब तक आप पूरा बेस कंप्लीट ना कर लें, आपको सिलेबस देखना होता है, सिलेबस को तोड़ के कौन सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है नहीं है वो सब पूरा, आपको जब तक आप पूरा ओवरव्यू नहीं देंगे तो आपको थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा उस टाइम थोड़ा। कितने भाई बहन हैं? मेरे से एक छोटा भाई है। एक भाई एक बहन, हाँ सबसे बड़ी आप। हाँ छोटा वाला भाई क्या कर रहा है? छोटा वाला भाई प्रिपरेशन कर रहा है, और हम ये कहना चाहेंगे कि हम अपना पढ़ाई पे फोकस थे, पर वो अपना पढ़ाई डिस्टर्ब करके भी मेरे पीछे मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान दिए हुए था वो, और मेरे मामा जी जो हैं अनिमेश, वही दोनों मिलके हमको मतलब कि गाइडलाइन देते थे, फॉर्म कब आया है, क्या है, कैसे करना है, मतलब वो सब में बहुत ज़्यादा वो लोग हेल्प करते। तो इसका मतलब ये सारा क्रेडिट आप अपने पूरे परिवार को दे रहे हैं? हाँ, क्योंकि मेरा पूरे परिवार और सर अगर हमको सपोर्ट ना किए होते तो फिर हम ये नहीं कर पाते, या अगर हम पे भरोसा ना रखते, क्योंकि एक लड़की होके आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। वैसे मेरे फैमिली पे भी प्रेशर बाहर का आता था, सिर्फ हम तक सीमित नहीं था, पर वो लोग भी उस चीज़ को मतलब समझे कि हाँ हम पढ़ रहे तो हमको टाइम दिया जाए, वो बहुत बड़ी बात है। आप आगे और अच्छा करें और ऊंचाई पे जाएं, बिहार तक की ओर से आपको शुभकामनाएं। थैंक यू। हम एक चीज़ और कहना चाहते हैं, बताइए। हम ये कहना चाहते हैं ना कि जो फ्रेशर स्टूडेंट है वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो प्रेशर आने से पहले अपना पढ़ाई कर लें और कोई अच्छा जॉब में सेटल हो जाए, लेकिन जो सीनियर है जो बहुत दिन से कर रहे हैं, हम उसके प्रेशर को समझ सकते हैं, क्योंकि वो प्रेशर मेरे पे भी था कभी। तो आप लोग लास्ट टाइम में हिम्मत हारी है, और उनके गार्जियन पे भी होगा, पर प्लीज़ उसी टाइम अपने बच्चे को सपोर्ट कीजिए, कि उस टाइम आपके बच्चे को ना आपके सपोर्ट का बहुत ज़रूरत होता है। अगर उस टाइम आप उसको थोड़ा सा और साथ दे देंगे ना तो वो बहुत अच्छा कर लेगा। तो ये थी मेरे साथ टीनू सिंह, जिन्होंने एक साथ 5 दिनों में 5 परीक्षाओं में सफलता हासिल की है, और इन्होंने अपने एज ग्रुप के बच्चियों के लिए कुछ सलाह भी दी है। मुझे उम्मीद है कि आजकल के युवा पीढ़ी टीनू सिंह की सलाह को अब जरूर मानेंगे। राकेश कुमार सिंह, बिहार तक, जमुई।